हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं एनसीईआरटी ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में कुछ करेक्शंस किए हैं पिछले कुछ सालों में, तो हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 के यूनिट 1 के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चेंजेस और एडिशंस डिस्कस करने वाले हैं। पेज नंबर 70, फंगस की जो सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज पहले लिखा हुआ था, जिसे अब चेंज करके सेल वॉल प्रेजेंट विद काइटिन कर दिया गया है। एक पैराग्राफ और ऐड किया गया है यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे कि पहले पैराग्राफ के बाद एक और एडिशनल पैराग्राफ ऐड किया है जो है द थ्री डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स लीविंग द रिमेनिंग यूकेरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। ये पैराग्राफ ऐड किया गया। इसके अलावा एक माइनर चेंज है, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लूग्रीन एल्गा विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। इसमें बहुत ही माइनर चेंज ये किया गया है कि यहाँ पर ब्लूग्रीन एल्गा के ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया भी ऐड किया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे पेज नंबर 17 पर। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 21 पर, जहाँ प्रोटिस्टा के दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यूग्लिना और पैरामीशियम। अब इनमें दो डायग्राम्स और ऐड कर दिए गए हैं डायनोफ्लेजिलेट्स और स्लाइम माउल्ड्स के। तो कुल मिलाकर के अब इस पेज पर चार प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं। बात है पेज नंबर 22 पर, जहां पर किंगडम फंगाई में एक स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स अ माउल्ड और योर ऑरेंज रॉड्स इट इज बिकॉज ऑफ फंगाई। लेकिन क्योंकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं और दूसरे फ्रूट्स भी खराब हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर इस स्टेटमेंट को एल्टर करके अब लिखा गया है, यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। अब आते हैं पेज नंबर 24 पर, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड बफल्स आर ईडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। पर क्योंकि बफल्स जो होते हैं ये ईडिबल नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जगह पर ट्रफल्स कर दिया गया है। और अब नया जो करेक्शन है वो ये है कि मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। पेज नंबर 25, यहाँ पर हेडिंग है वायरसेस वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, और इसके बाद जो कंटेंट है वो देखते हैं क्या लिखा है। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम ए सेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, दे आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। तो इसको अब चेंज किया गया है क्योंकि इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे कि अब चेंज करके ऊपर प्रियॉन्स तो ऐड किया है, लेकिन इसमें लिखा गया है इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम ए सेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो लाइकेंस को ए सेलर ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। अब बात करते हैं पेज नंबर 27 पर, यहाँ पर वायरॉइड्स और लाइकेंस के बीच में एक पैराग्राफ ऐड किया गया है। ये पैराग्राफ प्रियॉन्स के बारे में है जिन्हें हमने हेडिंग में भी लिया है, और ये है, prions in modern medicine certain infections neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisted of abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses and these agents were called prions. The most notable disease caused by the prions are bovine spongiform encephalopathy BSE, commonly called mad cow disease in cattle, and its analog variant Creutzfeldt Jakob disease CJD in humans. तो ये थे करेक्शंस क्लास 11 के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीक।